दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि दुर्लभ कश्यप से ज़्यादा निडर और खतरनाक सलमान लाला है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि क्या सच में दुर्लभ कश्यप से ज़्यादा खतरनाक और निडर सलमान लाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज के टाइम उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को तो सभी जानते हैं कि वो पीवर अपराधी था जो किसी से नहीं डरता था और ना ही समझौता करता था। और जब दुर्लभ कश्यप का उज्जैन में बोलबाला था तब इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला चोरी किया करता था और साथ ही शराब की तस्करी किया करता था। और दूसरी तरफ दुर्लभ कश्यप अपने बड़े बड़े अपराध और वसूलों के लिए जाना जाता था। और एक इंटरव्यू में दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप जी ने कहा है कि दुर्लभ कश्यप का झगड़ा सिर्फ गुंडों लोगों के साथ होता था। उसने कभी भी शरीफ या फिर गरीब लोगों को नहीं सताया और ना ही एक भी लड़की के मैटर में नाम आया। और दूसरे तरफ सलमान लाला का जब भी खबरें देखेंगे तो कभी सलमान लाला लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है या फिर किसी महंगी गाड़ी को चुरा लिया है। और जब पकड़ा जाता है तो रोते हुए बोलता है कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और बोलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हर एक अपराधी को पुलिस का खौफ होता है। तो दोस्तों, इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन ज़्यादा खतरनाक था और कौन निडर था। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी गैंगस्टर का समर्थन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये सब जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त किया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।